ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा कंसोलिडेशन, यानी अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल शीट्स का डेटा आपको एक ही शीट पे सम करना है, काउंट करना है, या मैक्सिमम या मिनिमम नंबर वालू करना है, तो या आपके जो भी फार्मूला आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। लेकिन कभी कभार ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इस तरह का डेटा मैनेज कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट की मार्क्स, सही है, 6 महीने के अंदर हर महीने आप कोई ना कोई टेस्ट लेते हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि 6 के 6 मंथ्स की उसकी टोटल रिजल्ट कितनी बनती है, होता है ना, तो ये भी मालूम कर सकते हो। या जो आपके समझ ले ये जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं वो भी एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, उनका काम ये होता है कि सपोज वो मंथ वाइज अपनी सेल मैनेज कर रहे होते हैं, है ना, कि फरवरी की, जनवरी की, मार्च, अप्रैल, जो भी है, इन तकरीबन मंथ्स के हिसाब से वो इंडिविजुअली शीट्स के अंदर डेटा एड करते जाते हैं। जैसे अगर आप अभी देखें तो ये नहीं, यहां पे कोई डमी डेटा रखा हुआ है कि ये जनवरी का सेल है, सही है, यानी ये जो मार्केटिंग वाला बंदा है ये इस तरह के आइटम सेल करता है और जितने जितने सेल होते हैं वो ऑटोमेटिक यहां पे एड करता जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है, कि ये आइटम है और ये उसकी सेल है, सेल 1 सेल 2 सेल 3, ऐसे ही है। इसी तरह से इसने फरवरी के अंदर भी ये आइटम सेल किए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप हेडिंग कुछ और भी दे सकते थे कि यहां पे आइटम्स ये जो सेल हुए हैं ये मंथ वाइज भी अगर यहां ऐड करना चाहते हैं आप, जेन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर, तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं डाल ही देता हूं जेन, इसको मैं यहां से आके आगे करूंगा ड्रैग, तो ये मंथ के नाम आ जाएंगे। इसी तरह से मैं यहां पे आके इनके भी कर देता हूं जेन, तो मंथ वाइज ये हमारे आइटम्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक हो गया। कि फॉर एग्जाम्पल ये जो जनवरी का डेटा है समझ लें, या ये ईयर वाइज कर लेते हैं, जेन नहीं, ये समझ लें कि हमारे पास 2012 के अंदर ये इसकी सेल है ना, 2012 की सेल है, वो मंथ वाइज यहां पे मैनेज करता जा रहा है, कौन सा क्लियर है। या वो सिटीज के हिसाब से भी कर सकता था कि ये आइटम इस सिटी के अंदर इतने बिके, और आपकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्राइटेरिया है, जहां पे जिस तरह का हो, आपको सिर्फ समझना है डेटा कंसोलिडेशन किस तरह से होती है, सही है, ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। इसको मैं बना देता हूं कि 2020 की आप समझ लो 13 की सेल है, 2013 के अंदर इसका जो भी डेटा बनता है वही है। मैं चाहता हूं इन दोनों को जमा करके यहां पे इस शीट पे एज आउटपुट दिखा दो, कौन सा क्लियर हो गया सबका। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डेटा टाइप के अंदर जाऊंगा, डेटा टाइप के अंदर देखो एक कंसोलिडेट के नाम से एक ऑप्शन है जो इसी तरह से दिखाया गया, मैं इसको जूम कर लेता हूं आपको नजर आएगा। देखिए इस ऑप्शन को किस तरह से दिखाया गया कि मल्टीपल शीट्स का डेटा एक शीट पे जैसे इधर दिखाया हुआ है एनिमेशन के अंदर, दिख रहा है ना, मल्टीपल शीट या बुक्स का डेटा आप क्या करते हो, उनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन या फॉर्मूला अप्लाई करके उनको आप किसी एक शीट पे एज आउटपुट दिखा सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चले जी, अब इसको वापस ठीक है अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल, जिस शीट पे आपको आउटपुट दिखाना है वहां पे जाके क्लिक करो, सही है, और ये याद रहे कि कोशिश करें कि जैसे इस तरह के आइटम है ये 1 रो और 1 कॉलम से शुरू हो रहे हैं, तो आउटपुट रिजल्ट वाली शीट जो है वहां पे भी उस तरह के सेल पे जाके रखे कर सर, ठीक हो गया। उसके बाद डेटा टाइप के अंदर जाएं, यहां पे कंसोलिडेट पे क्लिक करें, तो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं उन शीट्स के ऊपर, आप जमा करना चाहते हैं कोई चीज, काउंट मालूम करना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, मैक्सिमम, या कुछ हो। मैं चाहता हूं मैंने दोनों शीट्स का डेटा जमा करना है, सम करना है ना, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे देखिए ये रेड वाला ट्रिगर शो हो रहा है, इस पे क्लिक करना है और ये वाली शीट ओपन कर देनी है जो 2012 डेटा के नाम से, इस पे गए हम तो देखिए उसने शीट सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद इसने जो सिंबल दी है वो उसके बाद आपने ये हेडिंग्स के साथ ये चीजें सिलेक्ट कर देनी, यानी इस शीट का ये जो डेटा है या ये जो रेंज है आपने सिलेक्ट कर देनी, सही है। फिर से इस ट्रिगर पे क्लिक करना
और इस डेटा को जो आपने बनाया है इसको क्या कर देना है, एड कर देना है। कर दिया, उनसे क्लियर। और फिर जो इसमें सिलेक्टेड है, यहां से इसको बैक स्पेस लगा देना कि अब हम कुछ नया डेटा सिलेक्ट करेंगे। एक शीट आ गई है ना डेटा में, तो मैं क्या करूंगा, अब 2013 की शीट को ओपन करूंगा और यहां पे आके देखें आ चुकी है ना शीट। अब मैं यहां पे आके क्लिक करके बाकी शीट का डेटा सिलेक्ट कर दूंगा इस तरह से। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और फिर से इस आइकन पे क्लिक करेंगे और आपने यहां पे आके इसको एड कर देना है, तो आप देखेंगे दो शीट्स का डेटा एड हो चुका है। और ये दोनों का डेटा यहां पे जब मैं ओके करूंगा तो देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, वो भी दिखाने। मैं बोल रहा हूं यस, इसके इसके भी आ गए। और मैं यहां से आके जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि दोनों शीट का डेटा जमा होके डेटा वन प्लस डेटा टू की शीट पे आ चुका है। कौन से क्लियर हो गया, सही है। अब आपको कैसे पता चले कि डेटा आया है नहीं आया, चले मैं बता रहा हूं। अब वो हेडिंग्स आपको खुद लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने देखे 2012 के अंदर कितनी सेल की है, जनवरी के अंदर 100 आइटम्स, 2013 के अंदर 100 आपकी जो है वो। लेकिन डेटा वन और डेटा प्लस टू पे आओ तो यहां पे कितना बता रहा, यानी उसने जमा कर दिया, जनवरी का डेटा जमा कर दिया ना, सही है। और यहां पे आके एक चीज देखो यहां पे, ठीक है, फेब का भी इसी तरह से जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपसे क्लियर है। लेकिन एक चीज और थी, अगर मैं इसको अभी के लिए इसको रिमूव कर देता हूं और फिर से मैं जब यहां पे आऊं और फिर से एक बार कंसोलिडेशन करके दिखाऊं, मैं इन चीजों को रिमूव कर देता हूं, फिर से मैं ऐड करवाता हूं, सही है। मैं कैसे करवाता हूं देखिएगा, फिर से सेल पे क्लिक करते हैं, कंसोलिडेशन पे जाते हैं। अब यहां देखिए टॉप रो टॉप लेफ्ट कॉलम लिखा हुआ। एक चीज और थी क्या, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। इसका मकसद पता क्या है कि कल को इन दोनों शीट पे जब डेटा अपडेट हो तो इस रिजल्टेंट शीट पे भी अपडेट हो जाए। कौन से क्लियर हो गया, यानी देखें 2012 के इस शीट पे जब आपने जनवरी का डेटा कल को मॉडिफाई किया तो यहां पे डेटा वन प्लस डेटा टू पे ऑटोमेटिक वो अपडेट हो गया। ये अगर चाहते हैं तो वो भी होगा। कैसे देखें, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, इस पर क्लिक करूंगा, 2012 के इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स के साथ, क्लिक करेंगे, देखिए इस पर क्या आ रहा है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, और एक क्या था, क्रिएट लिंक्ड सोर्स डेटा, इस पर क्लिक किया और एड किया, कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी शीट को भी सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको हटा दूंगा। फिर मुझे क्या करना है, दूसरा शीट का डेटा उठाना है, तो इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको इसको भी सिलेक्ट कर देना है, कर दिया। फिर से क्लिक करेंगे तो आपकी 2013 की शीट का डेटा उसकी रेंज यहां पे एड होने जा रही है, एड कर दी हमने। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप अब देखेंगे, अच्छा अब ये देखिए क्या आ रहा है, सब ये वो फार्मूलाज आ रहा है ना, कि उसके ऊपर जो अप्लाइड है, क्योंकि हमने एक थोड़ी सी गलती ये की है कि जब आप पहली शीट सिलेक्ट कर रहे थे तो तब आपने वो टॉप रो लेफ्ट कॉलम और ये सारी चीजें दे दी थी, सही है, तो ये तब नहीं दे दी थी। चले मैं एक काम कर लेता हूं, न्यू शीट बनाता हूं वहां पर कर लेता हूं, यानी मैं आपको बता रहा हूं गलती हमने क्या की है। यहां आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, 2012 की शीट पे जाते हैं, डेटा पे क्लिक करते हैं, और जब मैंने डेटा पे क्लिक किया था मैंने यहीं पे टॉप रो लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक्स पे क्लिक कर दिया था, ये किया था ना, तो ये आप नहीं करेंगे अभी, सिर्फ इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, दूसरी शीट का डेटा भी इसी तरह से उठाना है, कहां से, 2013 का डेटा इससे उठाना है, फिर से क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर दिया, अब आप बताएंगे टॉप रो भी उठाओ लेफ्ट कॉलम भी उठाओ और उसके साथ लिंक्स, कौन से क्लियर हो गया। इसका क्या, इसका मकसद ये है कि अगर आपका वहां पे डेटा अपडेट होता है तो यहां पे भी अपडेट हो जाए और यहां पे आके ओके कर देना है, तो आप देखेंगे आपकी तकरीबन चीजें यहां पे आ चुकी है ना।
हाँ ऑटोमेटिक, सपोज मैं समझा रहा हूँ ना, 2012 पे गए, यहाँ पे हमने 100 लिखा था, मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ 500 या 400, ओके करते हैं, सेव करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे आता हूँ जो हमने शीट 3 की थी, देखो ऑटोमेटिक डेटा आ गया। तो अब ये जो रिजल्टेंट शीट है वो प्रीवियस शीटों से जुड़ी हुई है, ये ऑटो अपडेट कर लेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप डेटा कंसोलिडेशन करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।